तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग डोमेन नेम खरीद सकते हैं और कैसे हम लोग जो अपनी ऑलरेडी वेबसाइट है जो हम कहीं पे होस्ट कर रहे हैं उसके साथ मैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में, डोमेन नेम ढूंढने के लिए मैंने डोमेन नेम जनरेटर का यूज़ किया है और मैंने टेक बस करके सर्च मारा तो मुझे जो टेक बस गाइड डॉट कॉम जो नेम है वो सजेशन में आया, जो कि मुझे ठीक ठाक लग रहा है और मैं इसी नाम के साथ आई थिंक जाने वाला हूँ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं स्क्रीन पे, देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम लोग इसको खरीदने वाले हैं और कैसे यहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, टेकबस को मैंने सर्च मारा, उसके बेसिस पे मेरे को काफ़ी सजेशन मिले नेम के। जो टेकबस गाइड डॉट कॉम है जो नेम है वो मुझे सही लग रहा है, उसको मैंने फिर यहाँ पे पेस्ट किया बिग रॉक डॉट कॉम पे जाके, और मुझे बता रहा है कि ये टेकबस गाइड डॉट कॉम जो है वो 799 पर ईयर का है। तो इसको मैंने जाके फिर उसके बाद होस्टिंगर पे भी जाके डोमेन नेम में जाके सर्च किया, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसका प्राइस है टेकबस गाइड डॉट कॉम का 128,000 पर ईयर IDR में, यानी कि अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूँ तो ये लगभग 650 से 700 रुपये के आसपास का है, तो विच इज़ गुड। एंड ऑल्सो यहाँ पे होस्टिंगर में मेरे पास ऑप्शन है इंडोनेशियन वॉलेट से पे करने की, तो मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। इस टाइम पे मेरे पास इंडियन वॉलेट वगैरह नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड विद दिस वन। मगर ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, आप कहीं से भी डोमेन नेम खरीद सकते हो, डजेंट मैटर कि आप कौन से प्रोवाइडर से खरीद रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो अगर मैंने यहाँ पे जब ऐड टू कार्ट किया था तो मुझे ये जो है कुछ होस्टिंग के पैकेजेस वगैरह भी बता रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि ये सारे होस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्लान हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो सिर्फ 11,000 IDR यानी कि 50 से 55 रुपये के आसपास जो है आपको पर मंथ वेबसाइट होस्टिंग का प्लान बता रहा है। तो अगर आप चाहो तो इस प्लान के साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो बिग रॉक पे जाके होस्टिंग में जाके आप जो है डिफरेंट होस्टिंग वगैरह सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल क्लाउड वगैरह का फ्री अकाउंट अवेलेबल है तो आपको होस्टिंग खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस डोमेन नेम खरीदो। अब इस केस में मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मेरे पास गूगल क्लाउड पे भी मेरा एक सर्वर है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद जो है होस्टिंगर पे भी मैंने लास्ट टाइम ये वाला प्लान ले रखा था, तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों ऑप्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बस टेक्नो ये जो टेकबस गाइड डॉट कॉम है डोमेन नेम ऐड टू कार्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे होस्टिंग प्लान वगैरह में मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ थोड़ा वो टैक्स ऐड हो गया है विच इज़ स्टिल फाइन। अगर 143 को मैं कन्वर्ट करूँ इंडियन करेंसी में तो ये अराउंड 700 रुपये के आसपास ही आ रहा है, तो इट इज़ स्टिल चीपर देन बिग रॉक एज वेल। लेकिन चीप इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है होस्टिंगर पे, मैं इंडोनेशियन करेंसी में पे कर दूंगा आराम से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप चाहो तो मल्टीपल ईयर्स के लिए भी खरीद सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 1 साल के लिए खरीदो। जनरली अगर आप 100% श्योर हो कि ये डोमेन नेम आपको पसंद है और आप 100% जो है ब्लॉगिंग के लिए जाना ही चाह रहे हो, तो आप कोशिश करो इसको लॉन्गर पीरियड के लिए खरीद लो, जैसे 2 से 3 साल के लिए, क्योंकि हर साल आपको रिन्यूअल का झंझट रहेगा, उसके बाद हो सकता है अगर आप भूल गए तो जो आपका ये डोमेन नेम है किसी और को एलोकेट हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड, आई एम गोइंग टू गो टू चेकआउट नाउ। यहाँ पे ये बोल रहा है साइन अप करने के लिए या लॉगिन करने के लिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है फेसबुक से, तो मैं यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मुझे जाना है ओवो में। ओवो यहाँ पे जैसे कि हम इंडिया में पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ही ओवो यहाँ पे जो है वॉलेट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। इसके बाद पूछ रहा है कंटिन्यू विद इंडोनेशिया वॉलेट, हाँ ठीक है मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो पेमेंट के लिए रीडायरेक्शन हो रहा है, आपके केस में हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्योंकि मैंने इंडोनेशिया पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, अगर आप कुछ और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट ऑप्शन होगा। अब मुझे यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर, तो ये मैं हाइड कर दूंगा, तो यहाँ मैंने अपना नंबर डाल लिया, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो मेरे मोबाइल पे एक्चुअली नोटिफिकेशन आ गया है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है सब कुछ सही लग रहा है और होपफुली बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट कंफर्म हो गई है, यानी कि जो डोमेन नेम है हमने सक्सेसफुली खरीद लिया है। तो दोस्तों जब भी आप डोमेन नेम वगैरह खरीदते हो आपको अपनी जो एड्रेस रिलेटेड या पर्सनल डिटेल वगैरह सारी डालनी होती है, तो वो डिटेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखी है, इसलिए ये बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ऐड न्यू प्रोफाइल में जाके फिर से अपने नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं अपना एड्रेस और वो सब डालूंगा। एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, अगर आप वेबसाइट खरीद रहे हो तो जो भी आप एज अ ओनर रजिस्टर करोगे तो उस ओनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस वेबसाइट को लेके। अगर उस वेबसाइट पे आप जैसे पोर्नोग्राफी या कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ प्रमोट करते हो तो एज अ ओनर जो है आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो
तो यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल सेलेक्ट की हुई है वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ फिनिश रजिस्ट्रेशन पे। और ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है जब भी आप डोमेन नेम वगैरह खरीदते हो। जस्ट बी पेशेंट, अब यहाँ पे बोल रहा है यू आर ऑलमोस्ट डन, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो हम लोग रेडी हो गए हैं, हमारा जो डोमेन नेम है वो हमें वो बन चुका है और यहाँ पे ये जो है हमें डिटेल दे रहा है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब हमें डोमेन नेम मिला है उसके लेफ्ट में आप देखोगे तो DNS एंड नेम सर्वर्स की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हम DNS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या होता है DNS में, यहाँ पे आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो सेट करने होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो वेबसाइट है वो इस टाइम पे गूगल क्लाउड पे एक मैंने वर्चुअल मशीन या सर्वर क्रिएट किया हुआ है और उसका आईपी एड्रेस ये है और यहाँ पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे डालूँ और एंटर मारूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी वेबसाइट लोड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है अगर मैं techbusguide.com लिखता हूँ तो मेरी ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। उसके लिए मैं DNS में जाऊँगा यहाँ पे होस्टिंगर के DNS में, और ये सेम स्टेप आपको किसी भी आपने किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से ख़रीदा है सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको DNS सर्वर में DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप में ए सेलेक्ट करना है और नेम में @ रहने दीजिए, points2 में जो आपका आईपी एड्रेस है जहाँ भी आपकी वेबसाइट है उस वाले सर्वर की आईपी एड्रेस डाल दीजिए, और TTL ये होता है टाइम टू लिव, इसको आप 300 सेकेंड कर दीजिए और एड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यही डिटेल बस आपको चाहिए, इसके अलावा आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में समझने लगोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ यही आपको जानने की ज़रूरत है। और इसको जो है रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, अगर आपको कोई और यहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है, जैसे यहाँ पर देखोगे ए रिकॉर्ड में मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर कुछ सर्वर मिल रहा है। ठीक है, तो ये सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई डोमेन नेम प्रोवाइडर है आप उसे डोमेन नेम खरीदते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो सर्वर मैप कर देता है जिसमें कि उसका पार्किंग पेज है वो दिखता है। फॉर एग्जांपल लेसे अगर मैं यहाँ पे इस टाइम पे जाता हूँ techbusguide.com में, तो देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने techbusguide.com पे गया तो ये वाला पेज खुल रहा है। ये वाला पेज क्यों खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक ए रिकॉर्ड एडिड है जो कि ये वाला बेसिकली ये दिखा रहा है, राइट। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और एंटर मारूँ तो देखते हैं क्या होता है, देखो सेम चीज़ खुली है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो टेक बस गाइड क्या है ये इस वक्त इस वाले आईपी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे सर्वर की जो आईपी एड्रेस है वो ये वाला आईपी एड्रेस है और हमने करेक्ट जो आईपी एड्रेस है वो ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, फिर से इसको मैच कर लो, ये वाला आपका आईपी एड्रेस था, ये वाला मैंने यहाँ पर भी डाल दिया है। अब दोस्तों DNS कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप करते हो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर मैं यहाँ पर जाके अब देखूँ techbusguide.com में एंटर मारूँ तो अभी भी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। देखो जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है अभी वही वाला दिखा रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको हो सकता है 5 मिनट से लेके 24 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो हम लोग क्विकली टी या कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे 5-10 मिनट बाद, और उसके बाद techbusguide.com पे फिर से क्लिक करके देखेंगे कि ये ओपन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं जब इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जो है अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, यानी कि हमें कुछ और वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी उसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये वाली वेबसाइट है dnschecker.org, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको डालना है अपना जो डोमेन नेम, और डोमेन नेम डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी ये DNS सर्वर्स हैं वहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो नई आईपी है वो आ गई है कि नहीं। एनीवेज ये भी आई थिंक थोड़े टाइम में हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूँ techbusguide.com खोलने का तो बहुत हाई चांसेस है कि हमारी अपडेटेड वेबसाइट खुलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो techbusguide.com डालने पर जो नई वेबसाइट है जो वो प्रॉपरली खुल रही है, यानी कि ये जो सिंपल डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन था वो वाला प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हमने जो डोमेन नेम को पॉइंट करवाया है गूगल क्लाउड का जो सर्वर था उस पे इस वाले आईपी एड्रेस पे, और सब कुछ अभी प्रॉपरली खुल रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा जो एजेंडा है वो ये नहीं था, हमें क्या करना है, हमें जो वेबसाइट बनानी है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। ये तो मैंने जस्ट एक टेम्पलेट जो फ्री टेम्पलेट था ऑनलाइन वो डाउनलोड कर लिया था, और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डोमेन नेम का। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें बनानी होगी एक वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट से हमें जो है फास्टर जो है एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको वो समझाने वाला हूँ।
लेकिन जस्ट उससे पहले अगर आप लोग जो हैं आप लोग हैं जैसे bigrock.in पे, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पे आपको चेंजेस कैसे करने हैं। तो आपको bigrock.in पे जाना है, उसके बाद आपको करना है लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आ रही है, मैं करने वाला हूँ लॉगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये पुराना डोमेन नेम खरीदा हुआ है, जो कि यहाँ से खरीदा था bigrock से। तो ये मेरा डोमेन नेम है जो दिखा रहा है डोमेन रजिस्ट्रेशन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये थोड़ा इंटरफेस यहाँ का डिफरेंट है, राइट। आप देख सकते हो होस्टिंगर का थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें वहीं पे जाना है, हमें ढूंढना है DNS। और DNS ढूंढने के बाद हमें जस्ट कीप सर्चिंग फॉर DNS। वैसे मुझे पता है कि जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो यहाँ पे DNS मैनेजमेंट की ऑप्शन आती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है मैनेज DNS पे। जब आप मैनेज DNS पे आओगे तो एक नया ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पे आपको ये सारे आप देख रहे हो ऑप्शन है, आपको ए रिकॉर्ड चेंज करने की, MX रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, ये सारे ऑप्शंस हैं चेंज करने की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड ए रिकॉर्ड में जाना है, और अगर ऑलरेडी कुछ डला हुआ है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद ऐड ए रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर सकते हो। उसको क्लिक करने के बाद आपको सिमिलर चीज़ करनी है जो हमने वहाँ पे किया था। यहाँ पे एक्चुअली होस्ट नेम में आप सिर्फ इसको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हो। जो डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस है, यहाँ पे आपको जो सर्वर है उसका IP एड्रेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मुझे इस वाले सर्वर से मैप करवाना होता तो मैं ये वाली जो IP है इसको उठा के मैं वहाँ पे डाल देता DNS रिकॉर्ड वाली एंट्री में यहाँ पे। और उसके बाद फिर से आपको हो सकता है लगभग 24 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद आपका ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ कैसे जो है हम लोग वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं, और वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे, और उसके बाद जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे।